हुगली जिले के श्रीरामपुर थाना अंतर्गत 4 नंबर रेल गेट स्थित कचरे के गोदाम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी के साथ माहौल तनावपूर्ण हो गया। आग की ऊंची लपटें और धुआं निकलते देख आसपास झुग्गियों में रहने वाले लोग घर से बाहर निकलकर इधर उधर भागने लगे। आग लगने की प्राथमिक वजह कचरे में के गोदाम में मौजूद परफ्यूम की बोतल बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आग ने पलक झपकते ही उग्र रूप धारण कर लिया। हालांकि दमकल और पुलिस की तत्परता से आग पर एक घंटे की मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया। आग की चपेट में आकर एक बच्चे के घायल होने की खबर है, जबकि एक अन्य बच्ची को उद्धार कर लिया गया। आग में झुलसे बच्चे को श्रीरामपुर के वाल्स अस्पताल ले जाया गया। आग लगने से आसपास की झुग्गियों में रहने वाले लोगों का गुस्सा कचरा गोदाम के मालिक के खिलाफ फूट पड़ा। बताया जा रहा है कि इस आग की चपेट में कई झुग्गियाँ भस्मीभूत हो गई। आग किस वजह से लगी इसका सटीक पता अभी तक नहीं चल सका है। किस तरह से ये आग लगी है? देखिए, आग किस तरीके से लगी है अभी तो प्राथमिक से पता नहीं चला है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ये व्यवसाय करते हैं, उन्हीं में एक कचरे के कुछ माध्यम से आग लगा है, जो कि प्रथम जानकारी से पता चला है, लेकिन प्रशासन के तत्परता से आग बहुत ही नियंत्रण में है। मतलब क्या चीज़ का व्यवसाय करते हैं? ये जो कचरे के जो कागज वगैरह है, परफ्यूम पुराने, ये सब का व्यवसाय है। तो उसी से आग लगी है? उसी से आग लगा, अभी प्राथमिक अनुमान यही कहा जा सकता है। किसी तरह के जान एक लड़के के इंजर्ड होने की खबर आई है, जो आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। अभी वो कैसा है लेके उसको चिकित्सा में लेके वाल्स हॉस्पिटल में गए, जानकारी संभाली। कितना घंटा लग वो भी आपको लगे हुए? तकरीबन एक घंटे के करीब। एक घंटे में नियंत्रण पा लिया गया। आपका नाम बता दीजिए। इकबाल अहमद, हुगली जिला के यूथ तृणमूल कांग्रेस के सेक्रेटरी। जैसे ये इतनी बड़ी आग लगी है, क्या सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है? वो परफ्यूम वाला फट गया।